एक थे ऐसा कांड आप लोग सुना दें। आपके जाऊंगीपुर के अगले बगल कहा चीज, अरे हा तदम हरियर जीबा आई हमार वादा है दावा है कि जबले बाबू जीबा। एक नजर और जब पड़ी चाहो खिता में चल जीबा तो सोचबा ख्याल करबा। देखा ऐतिहासिक कांड है, कांड लेकिन ऐतिहासिक कांड हजारों साल पुरानी है और आज भी है, हजार बरिस पहले से लेके आज लिख के बात बताई बड़ी सुखर चीज। कब जी देखे लहुल भूम का गलाइन हुआ करने वाले उल्टा अंजाम राम हक में बुराई सदमा सदाई भी होती हवाले। बुरा तू न सोचो बुरा करने वाले अरे पड़ेगा जो पाला मेरे भला क्या लालच में पड़ कर पिया कर तू आसा बना। प्रसंग पर ध्यान देंगे आपके बगल की चीज है और जब तक आप रहेंगे आपका दिलो दिमाग बना रहेगा उस कहानी पर। एक लाइन कवाली की टुकड़ लगा कि मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया प्यार मांगा तो प्यार मांगा प्यार मांगा तो झोली में गम को डाल दिया प्यार मांगा तो भैया हो। एक कव्वाली के अंदाज से बहुत बढ़िया बिरहान भाव कबजी ठलो सोच और समझे वाली। खुदा के रूप में अरे खुदा के रूप में उसा के जन्म होता है बड़ा भगवान से सीधे बच्चे बताओ थे बड़ा भगवान से इंसान का कर्म होता है कहानी का शुरुआत भाई कहानी कहां से मिलल मास्टर
सदा प्रसन्न रहते मन माफी के नारू से बिता तो चार वर्ष बिता दो चार वर्ष फूल नहीं डाली में बड़ा महसूस हुआ बागवा को लाली में लगा दिल टूटने के पीछा मैं छोड़ाऊंगा अगर भागे नहीं तो तू दही भगाऊंगा मूड बनाने लगे गाली से शुरुआत किए भगोरे बाजी ऊपर से तो लात दिए पकड़ कर छोटा उसका ऊपर को उछाल दिया ए बाबू जिला धनबाद करे वाला लक्ष्मण तिवारी सरस्वती नामक लड़की से शादी भई लक्ष्मण तिवारी का बड़ा खुशमय जीवन बीतल बाबू धीरे धीरे जब 3 साल पार हो गए जब कोनो संतान गोद में ना आई सरस्वती का सास ससुर टोला मोहल्ला कोसे लगल प्यार लगत कि बाजी लिया अब कुछ ना हो या तो ये दोनों अपने में हाथ गोड़ पटक पटक लटा कर पड़ोसों की का बात है 3 साल बीत गए कुछ ना आई लक्ष्मण का माई लक्ष्मण के लगल कोसे कलक सुना तुहार बेटा दूसर ब्याह के दल जाई कैसहु मार के भगावा बाबू देखें 1000 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं उस जमाने में भी यह दशा थी उस लड़की को अंतोगत्वा लक्ष्मण इतना मार मारे एक ब्राह्मण की बेटी ने हिस्सा लेती थी लेकिन वह कमीना मार करके चौकट लगा दिया और कहा कि घर में आओगी तक काट दूंगा देखें बाबू एक ब्राह्मण के परिवार के लिए ब्राह्मण के बेटी के लिए श्राप था समझिए कि जहर था आज तक कुछ परिवर्तन हो गए लेकिन जहर रहा अगर ब्राह्मण की बेटी चौकट लांग गई तो ना ही तो मायके जा सकती है और नहीं ससुराल जा सकती है तो कहे खातिर जहर रहा बाबू वह ब्राह्मण की बेटी सरस्वती को लंघा दिया गया चौकट रास्ते में सोच रही है कि भरी जवानी में मैं जाऊंगी कहां कौन पूछेगा सोचत है रास्ता में जात है देखे वाले लोग तरह तरह की बात करते लेकिन सोचे अब परमात्मा के कोसे भीतर भीतर भगवान के कहे का कहे गीत लगे यह कहलत के सुनी ला की पालिया से बाजिनी कनाईया छो रवता गोसाईया हो कलस अरे चाहे देता को खिया दे काली बेटी हुआ हो चाहे गुंगा बहिर बिना पैया गोसैया हो सरस्वती रो रही है आंखों में आंसू है चली जा रही है भगवान को पूछते कि प्रभु हमारे गोदिया में टिक कानी बिटिया दे दिल होता हमारे गोद में ठल लंगड़ा बेटवा भी दे दिल होता तो क्यों उनके बाजी ना कही लेकिन बाबू चली यारी रास्ता में देखने वाले लोग मन चले मजाक करें कि कितना सुघर है यह लोग कहें लेकिन कहना हो एक लंगा गीत मास्टर अरे पातरी राम जी के अरे पातर का
आई आई आए रामा पाता के पातर राम जी के अरे पातर कारी आई आए राम ओही कारी आईया पर भाई ओही कारी आईया पर भाई लंका के लड़ाई आए राम ओही कारी आईया पर भाई अरे रहिया में जात सोचे अरे माना में जनना ए रामा रहिया रहिया में के रहिया में जात रा सोचे के मन में जनम ए रामा आ जया पंडुनिया में आ जया पंडुनिया में भाई ले जनम ए रामा आ जया पंडुनिया में यह सोचे थी कि जब आप लोग बेगाना हो गए तब तो बहरी लोग का करी है तो के माना हूँ सरोती अरे जाता रहली भाई मिलले बसंतपुर में मिलले बसंतपुर में गोरा राम भैया गोड़ सोच लेता है किसी अमीर घर की लड़की है बड़े घराने की लड़की है करीब गर्ल अब बड़ा प्यार से कलती है बहनी का है रवती हो सरस्वती के अखिया से झरझर झरझर आंसू बह लगल कलश बा अभन धरती पर लोग हमन कला भैया हमके अगर तू बहनी कह देगा तला हम बतावे थे बतौल सना हो लेकिन खुल गई अपन पिटिया उघार बतौल सरस्वती सुनाई आपने कथा अरे सरस्वती सुनाई आपने कथा जो उसके दिल पे गुजरी थी लगी दिखा दे खोल पीठ जो मार की दागी भरी थी दिल द्रवित हो गया दृश्य देख ए बाबू केहू देखी न हो केहू मुंह मार के देखी कर्जा कांप जाई दिल द्रवित हो गया दृश्य देख भड़ा भूजा भैया कहर उठा अरे रो मत ए बहना चुप हो जा वह तड़प तड़प कर सिहर उठा हथवा रामू गोड़ जोर लगल कहीं बहनी तू ब्राह्मण के बेटी हूं हम गोड़ जाती कहीं रे पगली लेकिन क्षमता है दाना भूजी ना वही से परिवार चलेला अखाली हमन दुए प्राणी है
चला हमारे घरे रामू कैसे कहला यार थे गीत गलमाते सुल्ला ओवर से हमारे स्वर्गीय बेचन भैया का अंदाज बड़ी अच्छी लगन। स्वर्गीय बेचन भैया एक गीत के बिरहा में खुद लीला आ दूसरी ढंग से कहबे करी जोरन के बरियाई। हाँ भैया कतना मरबो गए जोरन बरियाई करे आ जब भरिया आवे तो धोतिया खुटियावे लगे। हाँ धोतिया खुटियावे लगे खुटिया खुटिया तो लगे ऐसे करे आ कहे के सरहा जब बोले रामू कहलन का कहलन अरे राम बोला सरस्वती से माला यदि तू भाई चल चला हमारी घरे। राम बोला सरस्वती से माला यदि तू भाई चल चला हमारी घर स्वामी के बात भुलाई चल चला। ए बहिनी चला हमरे खरे हम दाना भुजिले रहे तीन भर पतई बटेला दाना भुजिला वही से जीविका चलेला तो हो तो चली। अरे जवन जवन खाई बहिनी उहे हम खियाई सफरी जवन लुगा फाटी तवर पहिराई जवन पहिराई बाबू गौर करेंगे। एक ब्राह्मण की बेटी घोड़े के घरे गई और घोड़े के घरे जाए के बाबू जो उन घोड़े का काम उन्होंने कर लगल बड़का खांचा उठावे रामू का दुलहिन सरस्वती दोनों मिलके दिन भर में भरे संध्या के परे जा बरसाए झुके जीविका चले। धीरे धीरे एक साल बीत गए एक साल बीत गई बाबू सरस्वती एक दिन पतई बटोर के अरहिया में ढाई के बैठ के रोत रहा भोगर भगर तो हुए सोचती है ए परमात्मा हमसे कवन कसूर हो गई कवन हमसे गलती हो गई लोग इतने ब्राह्मण के बेटी हो के आज घोड़े के घरे बितावत किया भरसाएं छुटके का ऐसा हमसे कमी भई का गलती भई इसे कलस अंदाज बा। अरे राम जब लाल लक्ष्मण हाथावा बटो राम जब राम के भजन गौर गई है बाबू। अरे पता ही बटोर तक पर्दा लेता था। अरे पता ही बटोर तो रहली पतई बटोरत रहली एक दिल माया नावा रहिया बगैचा
चा मैं बिचारी, रहिया मंगई चा मैं बिचारी, हाय रे सावनिया रहिया मंगई चा मैं बिचारी। देखे यही जैसे घटना घट गई, यह घटना घटल घटना घटल कैसे के आवत तो ही रही से। अरे मतलब फकीरा जवन पूरा जफरा मत के रहा हो, साधु वह फकीर इस्लाम को मानने वाला और सूफी संत उसी रास्ते से गुजर रहा था, नजरिया गई अब तो ही राही से बल भैया तो ए बाबू सरस्वती से संत का नजर जब मिलल हंसने लगते हैं। सरस्वती रोत रही चुप हो गई, कहीं आखिरी फकीरवा हसलस का है, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन खुद सूफी संत फकीर साहब करीब गए और बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटी ये सब क्या कर रही हो? देखे वह फकीर कितना पहुंचा हुआ फकीर था कि करीब जाकर कहा, तुम ब्राह्मण की बेटी होकर के और गौण के घर पतई बटोर रही हो। सरस्वती सोचे लगल के, रे ये कैसे जाना था, सचो हम ब्राह्मण का बेटे ही घोड़े के घरे पतई बटोर थे, आखिर कैसे जान गई। लंग सरस्वती से डांट कर पूछते हैं कि क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही हो? बाबा रघुआ जब हमार नमवा जान गई तो हर कमवा जाना थे, वह फकीर फिरास दिया हंसे लगल। कलन बताओ का बतौल ना बिरहा सली में भावा। अरे पापी को प्यार पत्नी से नहीं, पापी को प्यार पत्नी, ओ पापी को प्यार पत्नी से, पति तो बलि पति की पतिता बनी पति की पुत्र वेदना व्यापी, पापी को प्यार पत्नी से नहीं। यह बतिया बतौलत की है बाबा, हमके लोग बाजी में कही के घर से मार भगा देना, हम ब्राह्मण के बेटी सही है। आई हो आप जानत हमन के ब्राह्मण के बेटी अगर चौकट लांग गई तब न नैहरे जाई न सफर जाई। हम अधजल में पड़ल है बाबा, चलो पगली तू कैसे जान गई कि नहीं तू संतान नहीं, तोर संतान नहीं। अरे पागल तोरी पास इतना संतान है कि तोर घर वाला खिलावत खिलावत औजा जे। सरस्वती चौंक जाती है, बाबा साचो कहला, हाँ बेटी लेकिन कहलन कब विदसिया कलन में। इतना सुनता पीरा अब कहले समानावा, लवटी जरा पड़ी भावनावा ए पीती,
तोहरे गोदिया में होई है सात गो लला नावा अरे माफ़ करी है तोहरो साजा नावा ए बीटी वह सूफी संत फकीर साहब कहते हैं बिटिया रानी तेरे गोद में सात बच्चे हैं रे चली जा ससुराल जा कला बाबा कैसे जाऊं मुझे स्वीकार नहीं करेंगे लोग कला रे पगली जा कर देख तू अपने सिवा में पहुंचबू ने केहू देखी अल्लाह हो जाए फलाना का पतो हो जाएगी तुम्हारा आरती लोग उताई बड़ा मान सम्मान के साथ तुम्हारे बिटिया घर में लोग ले जाई समझ ला कि तुम लोग पूजा करी तू घर जा तोरी बदिया में सात के बच्चा हो रे बेटी जा सात बहु है लेकिन बेटी सुन ले मेरी शर्त है शर्त मानोगी कल हाँ बाबा कहिए एक नहीं हजार शर्त मानोगी बाबा बोलो क्या चाहिए बाबा आपको देखे बाबू यह बतिया सुन करके वो फकीर साहब कहते हैं प्रसंग पर ध्यान दिया बड़ी उम्दा चीज है वो फकीर मांगता क्या है कहे अरे लेकिन एक तोहरा से अरे बट हमारो मंगाना दे दिया पहिला लाला नवाए पीटी तुम्हारे गोद से जो पहला बच्चा होगा उस बच्चे को मुझे देना होगा स्वीकार कर लेती है हाँ सरकार मैं दे दूंगी लेकिन फिर कल एक शर्त और है देखा यह शर्त बड़ी कठिन है बाबू एक हिंदू खातिर बहुत कठिन शर्त है आखिर सूफी संत कौन शर्त रखी सूफी संत फकीर साहब का यही शर्त था कि बिटिया पहला बच्चा मैं लूंगा और सातों बच्चों का नाम जो है मुसलमान के नाम पर रखना होगा वह सातों बच्चे इस्लाम कबूल करेंगे देखा ये जहरन हो गए एक मतारी हिंदू की लड़की हो कैसे मुसलमान धर्म स्वीकार करी लेकिन मजबूरी वह लड़की वादा कर लेती है चली जाती है घर समय बीतता गया बच्चे पैदा होते गए सच्चों में बाबू आठ साल जात जात सात को लड़का हो गई ओकर लड़का कर आजा आजी खिलावत खेला सिहरे लगला लेकिन गौर करेगा बाबू समय बीतता गया बीतते बीतते सात बच्चे हुए जब सात बच्चा भई लेकिन फकीर साहब के मन में का आई का कह दे लग गया थे आधा कले अंदाज बात कहना है अरे पैदा भले सात गो लला पाधिल कोठिया में अरे पैदा भले सात गो लला पाधिल कोठिया में अब पहला गुण हो गई सुगल पाधिल कोठिया Thank you.
आ दूसर के हली पलटी के ललनवा बाजिन पटियों ए बाबू दर्द रहबे नहीं करी कोनो इंसान पशु भी अपन बच्चा ना दे चल इंसान के छोड़ दा बाबू। हाँ हो गौर कर बाबू पहला लड़कबा जो नल पैदा जन्मते घूम रहा वह घूमना था कितना गुंगवा से प्यार रहा कि कोठिला है तो लोहा का कोठिला हो गया तब कोठिला सच्चो रहे मट्टी का कोठिला बने बाबू वही कोठिलवा में लड़कबा के छुपाए दिया आ दूसरा नंबर के लड़कवा के दिहलस बाबू आ जब दिहलस बाबा दूसरे नंबर के बच्चे को लेकर दो कदम केवल आगे बढ़ते हैं तब तक आवाज आती है वह कोठिला जो है वह कोठिला एक अपने आप फट गया और कोठिला से आवाज आती है अरे बाबा रुक जा ये बाबा हम के लेले चला हम भी आपके साथ चलूंगा। देखे बाबू जो जन्म जात गुम था बाबा की मर्जी हुई उस कोठले में बंद था कोठले में फूट गल और बोले लगे ये सूफी संतों साधु संतों में महानता आज भी है उस समय भी थी कुछ तो आज इन लोगन कर नकली किसान खोद के लेकिन तब सत्यता आज भी है तब भी रहे जब कोठलवा पटल कर बाबा हम के ले चला वो दोनों लड़कों के ले लगा लेकिन जब लेके चले लगे तो भाई का अलग लग करेंगे जब लेके चले ना बाबू तो भाई का अलग लग जाली है कहे तक अथवा का चलावत हो अब ना नॉर्मल हम कोई तू हो का दूसर सिंगरन के लड़का ना काहे नारे बार बार धर्म के रखवाला तब कुछ कुछ मिलावे के परी भैया। हाँ बेटा का चलाओ तो बता दे ई चलाओ तो वो कैमरा आ ई कैमरा दूरदर्शन का कोई फुटकर कैमरा ये मार्केट में मार्केट करना ई कैमरा दूरदर्शन का ठीक 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 है आ ई कैमरा दूरदर्शन का काल के बाद परसों जो हम दोनों परानी गलती हो गई अच्छा चला एक दिन बात ना यार कौर कल गलती हो गई तरी से गलती हो गई जैसे अमन दोनों जना मिल के गवली है दो दिन के बाद अमन के इंटरनेट पर मिली हाँ एक लट्ठा का फैसला है हमान के दोनों जना के आज भी आप इंटरनेट उठा के देखिए बलिराम राजभर गायब केवल बलिराम राजभर एवं साथी कहबा लिखबा चाहे कहबा तुरंत हमारा इनके बिरा आ जाए चल सब कंपनी को जलावा थी इंटरनेट पर लेकिन कहना हो क्या हाँ भाई संगवे है जा इसने कागल चला अरे दुल्हन के पास पांच चल दिहले सतर चरलिया में गए लपटा सतम सब पे गए जल के खजाना आप लोगों से नई चीज है 1000 पहले की बात और आज की बात तब से लेकर आज तक की बात बताए होगा कैसे होगा तो ध्यान दिया
वह सातों बच्चे जौनपुर गए, फकराबाद मस्जिद में गए, बाबा के साथ रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे लड़कवा सयान हो गया, विद्या में एकदम निपुण हो गया। देखे वह फकीर सूफी संत डांट देते हैं, तुम लोग भगो यहाँ से, यहाँ से भगो। लड़कवा रोवे, बाबा आखिर हमर कहाँ जाए जाए, कौन पूछेगा। अरे पगला, तुम लोग इस धरती पर, पूरे हिंदुस्तान के धरती पर कदम जहां रख दोगे वही तुम लोगों की पूजा होगी। देखे बाबू, पांचों लड़का इलम गुम्मन सम्मन सैथुर गंगा के किनारे अब जाई हम, दोनों मजार अजी हो, पूजन जले साल में दो बार चादर चढ़ेला, दो बार मेलो लगेला साल में। लेकिन हरे फकरा बात गौआ में किसरा सुगनावा, थाना से थोड़ा सा दक्षिण आप जाएंगे गाजीपुर वाले लोगों की कहां समझाओगे, ये आपके घर की बात है। मल्लिक मर्दान साहब को गाजीपुर नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं। मल्लिक मर्दान साहब को केवल गाजीपुर मऊ आजमगढ़ गाजी बलिया नहीं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और विश्व के तांत्रिक, विश्व का ओझा, विश्व का वैज्ञानिक आकर के अजमा कर हार गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक ओझा सोका तांत्रिक सभी लोग आए उन्हें अजमाने के लिए, अंदाजने के लिए, लेकिन कोई अंदाज नहीं सका। खम्भा मल्लिक मर्दान बाबा में जटे खम्भा लगल है, पिलर खम्भा जी कह, वो खम्भा आज तक केहू गिन के बतौलस नहीं। लिखे का मेन मकसद ये कवि कह रहा कि हमारे धरती के चीज इतनी उमदा आंदोलन लिखल ही ना लिखल हम गए सुनते नहीं। मेरे मित्रों, आज भी कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं है कि बाबा के खम्भा को गिनकर बता दे। काहे स्कूली लेकर खड़ा कर लिया, कितने हालत रिसर्च करे वाला खड़ा कर लिया, आ फिर गिनल गिल एक हला लई गवा 49 होलो, एक हला 50 होलो, एक हला 51 होलो, एक हला 49 होलो। यही आज तक उनको कोई अंदाज नहीं सका। इतने नाम श्रद्धा दिल से आज भी मेरा वादा है कि श्रद्धा दिल से आज भी आकर जाकर झोली फैलाएंगे तो आपकी मनोकामना प्रज्वल करते हैं। श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर शाबाद दान बहुत से रिपोर्ट दे कि उनके श्रद्धा से के कहां पहुंच गए बाबू, ऐसा हम मलिक मर्दान साहब। लेकिन थोड़ा सा आप पचवा छठवा सतवा पर चले, आप छठवा सतवा कहां गए लन के मधुपुर से तरमा में छटा का पीराना संतान, सतवा संतान मुस्तफा और सिद्दीकी बद्धपुर में और छतरमान क्या नाम बद्धपुर या छतरमान। लेकिन बाबू सिद्दीकी साहब की मजार हमेशा के लिए बंद हो गई है, न वहाँ कोई जाता है न पूजा करता है। कभी कभार गांव के लोग झाड़ पहुंच देलन, कुछ नहीं उनसे मिलता। लेकिन सिद्दीकी बाबा साहब की वह दिलेरी थी, वह उत्सुक था कि जो उनके दरबार में चल जाए, जोन मांगे तो उन पावे हो।
ई गड़बड़ी कहाँ से भइल? एक सुनकर जेके आज सुनकर कहला कबो खट्टी कहाँ आलू खट्टी कहला वह खट्टी बिरादरी उनका कोनो संतान ना रही रहल बाबा के मजार बजा के माथा पटकलन आ माथा पटक के झोली फैलन कहल बाबा हमारे अंगना में फूल खिल गए हमारे दुल्हनी के गोद से अगर एक बच्चा आ गल बाबा हम तुम्हारे दरबार में गाजा बाजा के साथ आई पूजा पाठ करब आ तीन मन के सुवरा चढ़ाई ये गड़बड़ हो गए बाबू ये गड़बड़ हो गए कहा कि तीन मन का सूरा चढ़ाई नौ दस महीने के बाद उसके धर्म पत्नी से बच्चा पैदा हुआ अब नहावन ना बीतल नहावन ना बीतल भैया इतना खुशी रहल इतना खुशी रहल पैसा कमी ना रहल इतना खुशी रहल के पूरा अपन ब्रदरी के नोतलन आ गाजा बाजा के साथ आगे आगे सुवरा लेके लोग चल दिया जब सुवरा लेके चलन बाबू जज्जस मजार से करीब आवे लगलन हो उस मजार से आवाज आने लगी कि अरे ये तू क्या कर रहा है रे सुनकर अरे खट्टी की तू का कर रहा था तोर मनोकामना पूर्ण हो गई जा हमके पूजा ना चाहिए बेटा लेकिन कोई सुनने वाला था नहीं क्यों कि बाजा बाजत रहा एक थे घास करे वाली बुढ़िया मतारी जिनकी अहिरी तो करना होगा जिनकी अहिरी आज आप लोग यादों लिखे लग फलाने सिंह यादों लिखे लग लेकिन तब अहिर कहा वो जिनकी अहिरी सुन ली ना बढ़िया मतारी दौड़ के गली गली बजा बज गया बल करो बजा बल करो कुल डांट दल बट हमन पूजा करते बजा बज गया कितनी गाड़ी से हमन के पूजा में बिगड़ डाले लूहा बुढ़िया दौड़ के फिर चौरिया के आए मजरिया के रोवे लगे कहला बाबा मेरी आवाज और आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है ये कुल नाम नहीं है अंतो का तवा इतने कहलस तौले सुवरा लेके ना चौरिया पा गेलन लगलन भोंके जब सुवरा के मारे लगलन हो कहर की आवाज आई लग कहला रे कमीनो जाओ यहां से आज के बाद तुम ही लोगों के चलते सिद्दीकी को कोई नहीं पा सकता तब से आज तक वो बाजार बंद है बाबू पूजा अर्चना कोई नहीं करता हाँ गांव के लोग साल छह महीने में झाड़ पोछ के चिकन खाली कर रहे हैं लेकिन सब कुछ के बाद कितना बड़ा नुकसान भयल सरस्वती के कवि जी यह चीज लिख लो विराम के अरे दुआ से जकरा चरा के खुलल पा भागिया त झूठा चोरी के कर नवा लाग लगया गिरिया झूठ चोरी के करनमा जिकरे दुआ से झूठ चोरी के करन लगल बतिया आज सरस्वती सोच रही है कि तनी से गलती हमसे भइल इतनी बड़ी सजा मिलल हाथ धो गई सब बचपन से हाथ धो गई सब बचपन से माता है बिलखाती अरे पली कली कर तो सवार रे के पछताती छाती तो छाती पिकली भवन वालन कहना है कबीर जी का देखा तनिके गलती न कैलस इतने गलती कैलस के वादा कैलस बाबा पहला बचवा दे ही लेकिन लोग पहला बचवा के कोठिला में बंद के दे इतने गलती खातिर सातों लड़कों से हाथ धो गए
सर्वनिवास सर्त निभाओ भले के सग में, अरे जो भी जिसकी इच्छा, अरे जी, अरे जो भी जिसकी चाह मिल जाएगी मर्जी फरजी, तो फरजी पति तो लेकर सभा नवाने लगा लबाया जी। यही से हमारा ये बिरहा इस कहानी खत्म हो चुका है। कहना है गुरु बिहारी याद लगन राम फिर देव की द्वारिका गरीले स्वर्ग नगरिया कभी महेंद्र सभा की तजी सीज रहा पुलवरिया अरे पापी को प्यार पतली से अरे पापी को प्यार पतली पर का बलि राम छल बाज के सत से पापी पापी को प्यार पतली से ओ